दोस्तों बार बार सवाल आ रहे हैं, क्या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का परमानेंट ट्रीटमेंट है? इज देयर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? यू नीड टू अंडरस्टैंड टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। अगर आप भी इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको सिर्फ दो सिंपल कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहले तो आप ये बात समझिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको ऊपर से सामान निकालने के लिए स्टूल का सहारा लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि छोड़, मैं सामान लेता ही नहीं हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। और आप ये नहीं बोल सकते हैं कुछ दिनों तक मैं यूज़ करता हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं अब स्टूल यूज़ करना छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही आपके शरीर में अगर किसी हार्मोन की कमी है, वो नहीं बन रहा। हार्मोन ज़रूरी है आपके नॉर्मल रोज़मर्रा के काम के लिए, शरीर में जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए वो हार्मोन नहीं है तो काम नहीं होगा। चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो आपके फीमेल हार्मोन हो, FSH, LH हो, अगर वो हार्मोन सही मात्रा में नहीं है तो उसका काम नहीं होगा और आपको हार्मोन बाहर से लेना पड़ेगा। तो अगर आप हार्मोन कुछ दिनों तक ले रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं, ये बिल्कुल उसके बराबर है कि आप स्टूल लेके सामान निकाल रहे हैं। तो स्टूल लेके सामान निकाल रहे हैं, आपका काम चल रहा है। जिस दिन आप स्टूल लेना बंद कर देंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। सेम वे जिस दिन आप हार्मोन लेना बंद कर देंगे आपका काम नहीं चल पाएगा। ये बहुत सिंपल है, यही उसका सिंपल क्योर है, अंडरस्टैंडिंग बीमारी क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्यों हुआ, उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल है। जब आप पतले होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, तो आप दौड़ के सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, आप खेल कूद लेते हैं, घंटा भर दो घंटा खेल लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप साइकिल चला के कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन अगर आप मोटे हो गए, आप बहुत मोटे हो गए, आप 100 किलो के हो गए, आप 150 किलो के हो गए, तो क्या आप सीढ़ियां दौड़ के चढ़ लोगे? तो क्या आप साइकिल चला के कहीं चले जाओगे? तो क्या आपके अंदर उतनी क्षमता होगी? नहीं होगी। तो आपको फिर कार का, रिक्शा का इस्तेमाल करना होगा। सेम वे PCOD, PCOS आपकी लाइफस्टाइल बीमारियों के वजह से होती है। बहुत सारे लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको अगर आप मैनेज कर लोगे, वजन घटा लोगे, तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। सेम वे अगर आप वजन घटा लोगे तो आपके अंदर जो हार्मोन का रिक्वायरमेंट है, इम्बैलेंस है, वो ठीक हो सकता है। थायराइड में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो PCOS हो या थायराइड हो, उसका इलाज हार्मोन लेना ही है, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन की कमी है, आपको हार्मोन लेना पड़ेगा। हार्मोन की कमी क्यों हुई, इस बीमारी में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आप मेन चैनल पर जाइए, हमारा वहाँ पे वीडियो देखिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे पूरा सीरीज है, 2-3 वीडियोस हैं। थायराइड पे 6 वीडियोस हैं जो हर एंगल से समझाते हैं। थायराइड अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ठीक हो सकता है, अगर थायराइड डैमेज हो रहा है किसी कारण से तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपको कारण ढूंढना होगा अगर आपको इलाज करवाना है परमानेंट, वरना काम चलाना है तो सिर्फ हार्मोन लेना है, रेगुलर चेकअप करना है कि हार्मोन बैलेंस में हो रहे हैं या नहीं, बस इतना ही है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब करिए डॉक्टर एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन FAQs। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।